नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जय। हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों अभी के साथ हैं हमारे अनिल भाई, जो कि इनका भी एक YouTube चैनल है दोस्तों। तो आज इनका भी हम इंटरव्यू करने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पर इंटरव्यू यहाँ पर करेंगे दोस्तों, जो कि इनका इनकम के बारे में पूछेंगे और इन्होंने कभी YouTube जर्नी स्टार्ट की, इन्होंने क्या 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 परेशानियाँ झेलनी पड़ी अपने YouTube कैरियर के बारे में दोस्तों। तो सारा कुछ इन्हीं के साथ जानेंगे दोस्तों। हम तो वीडियो पर बने रहें दोस्तों, वीडियो काफ़ी ज़्यादा नॉलेज एंड इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है दोस्तों। तो सबसे पहले इनका थोड़ा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। तो अनिल भाई, मेरा नाम है राजू और मैं एक YouTube पर काम करता हूँ। हमारे चैनल का नाम है ट्रिक रामपुर। दोस्तों जो ट्रिक रामपुर चैनल है मेरा, वो सट्टे से संबंधित है। दोस्तों जो मेरा भाई सट्टा खेलते हैं, जिस राज्य में सट्टा खेलना लीगल है दोस्तों, वहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई झंझट नहीं है, तो हमारे चैनल ट्रिक रामपुर को नीचे वीडियो के नीचे मेरे भाई के चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जाकर देख सकते हैं। नीचे ट्रिक रामपुर चैनल है मेरा दोस्तों। सो दोस्तों आते हैं अब सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन इनसे ये करते हैं दोस्तों, इन्होंने कब यूट्यूब जर्नी स्टार्ट की थी दोस्तों? तो अनिल भाई, आपने यूट्यूब जर्नी कब स्टार्ट की? मैंने जो यूट्यूब पर आया था, तो मैं 2018 में यूट्यूब पर आया था, लेकिन किसी कारण ऐसी समस्या मेरे सामने आई कि जिसके कारण मैं अपने यूट्यूब चैनल को चला नहीं पाया। मैं डीमोनेटाइज हो गया दोस्तों और यूट्यूब को मैंने छोड़ दिया। उसके बाद ये मेरे भाई बैठे हैं अजय भाई, इनका चैनल है ASP टेक चैनल। इनके चैनल को देखकर मैं थोड़ा सा, मेरे अंदर एक फीलिंग आई कि भाई फिर से यूट्यूब स्टार्ट किया जाए। तो दोस्तों जो मेरा चैनल था 2018 में बनाया था, भाई ने तो 2020 में ही काम स्टार्ट किया, लेकिन मैंने 2018 में काम हासिल किया, लेकिन भाई जल्दी सक्सेस हो गए यूट्यूब पर, और लेकिन मैंने छोड़ दिया था दोस्तों। फिर से भाई को देखकर मेरे अंदर फीलिंग आई और मैंने अपना यूट्यूब चैनल दोहरा के स्टार्ट कर दिया, और आज दोस्तों आपकी दुआ से 13,000 सब्सक्राइबर हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। सो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, भाई ने यहाँ पर, अनिल भाई ने हमारे यहाँ पर 2018 में यूट्यूब जर्नी स्टार्ट करी थी दोस्तों। बट यहाँ पर उन्हें वीडियो डाल नहीं पाए किसी मुसीबत के कारण दोस्तों। तो यहाँ पर उन्हें काफ़ी ज़्यादा नॉलेज थी, काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस था काफ़ी दिनों से, काफ़ी पहले से दोस्तों, बट इन्होंने कोई भी वीडियो नहीं डाली थी पहले से। तो अभी के टाइम पर यहाँ पर अपने इन्होंने बहुत ही जल्दी अपने 13,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट किए दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल पर। आते हैं अब सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकेंड क्वेश्चन है, अनिल भाई आपके टोटल पहले कितने चैनल थे? जब मैं YouTube पर मैंने चैनलों को स्टार्ट किया, तो मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं था दोस्तों, जिसके कारण मैं कामयाबी हासिल कर पाता एक ही चैनल पे। मैंने अनाप शनाप दोस्तों काम करा, 4 से 5 चैनल मेरे दोस्तों टर्मिनेट हो गए दोस्तों, जिसके कारण मुझे इतना ज्ञान नहीं था। फिर मैं एक दिन, भाई ने मेरे ने टैग का चैनल खुला है, ASP टैग चैनल, इनकी वीडियो को देखकर मैंने टैग के बारे में थोड़ी सी नॉलेज, और ज़्यादा नहीं, नॉलेज मुझे थी लेकिन टैग के बारे में ज़्यादा नॉलेज मुझे नहीं थी, जिससे कि मैं अपने चैनल को बचा पाता। भाई ने मेरी हेल्प की, टैग की नॉलेज दी, और आज दोस्तों 13,000 सब्सक्राइबर मैंने भाई की मदद से पा लिए। अगर आपके भी चैनल पर दोस्तों, अगर आपने एक चैनल क्रिएट किया है और आपको टैग की नॉलेज नहीं है, तो अभी के अभी इस वीडियो को आप देख रहे हैं, उसके नीचे लाल बटन लिखा हुआ ना आपको नज़र आ रहा होगा, भाई के चैनल को अभी के अभी जाकर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि भाई के चैनल पर ऐसे ही इंटरेस्टिंग टैक्स से संबंधित वीडियो मिलती हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा, यहाँ पर हमारे अनिल भाई ने यहाँ पर करीब 4 साल से यूट्यूब पर काम कर रहे थे, बट कोई भी चैनल इनका सक्सेसफुल नहीं हो पाया। अभी के टाइम पे इन्होंने एक चैनल बनाया था जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पीड से रफ्तार पकड़ रहा है दोस्तों, काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रहा है चैनल, जो कि ट्रिक्स रामपुर के नाम से है दोस्तों। तो अभी जाकर उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, उनकी वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर 4 साल से यहाँ पर यूट्यूब पर काम कर रहे थे दोस्तों, इन्होंने चार चैनल थे वो सारे के यहाँ पर टर्मिनेट हो गए, इन्होंने कुछ गलतियाँ की थी दोस्तों। लेकिन अभी भी फिलहाल में इनका जो चैनल बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, जो कि ट्रिक्स नाम पर है दोस्तों। अब आते हैं यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन ये है हमारा कि अनिल भाई आपकी यूट्यूब अर्निंग कितनी है? वैसे तो अभी जो मेरी यूट्यूब अर्निंग है, वो यूट्यूब अर्निंग आपको पता होगा दोस्तों कि यूट्यूब पर खोला नहीं जाता कि यूट्यूब से हम कितना कमाते हैं, लेकिन ऐसा है दोस्तों, मैं यूट्यूब से कम फिर भी अपने खर्चा लाग अभी फ़िलहाल में कमा रहा हूँ, लेकिन अभी चैनल छोटा है। चैनल बड़ा हो जाएगा तो आपको पता है जिस प्रकार से और यूट्यूबर की अर्निंग करते हैं, तो लमसम हमारी भी हो ही जाती है थोड़ी बहुत उनके आधा पड़ती।
तो दोस्तों यहाँ पर जैसा कि अनिल भाई ने बताया, यहाँ पर यूट्यूब अर्निंग है दोस्तों वो खुल के नहीं बता सकती, क्योंकि ये यूट्यूब के इलीगल है ये, और यहाँ पर स्ट्राइक भी पड़ सकती है हमें। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि अपना यूट्यूब का खर्चा चला ही लेते हैं, यहाँ पर इतनी इनकम मतलब है इनकी फ़िलहाल में, जो कि अपना खर्चा ठीक से चला लेते हैं दोस्तों। तो अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो फोर्थ क्वेश्चन ये है हमारा दोस्तों, तो हम अनिल भाई से पूछेंगे, अनिल भाई आप जितने भी छोटे छोटे क्रिएटर हैं, छोटे छोटे यूट्यूबर हैं, तो उनको अपना यूट्यूब चैनल कैसे ग्रो करना चाहिए? तो थोड़ी बहुत आपको नॉलेज होगी तो कुछ एक्सप्लेन करेंगे आप। हाँ जी, मैं कहना चाहूँगा जितने भी मेरे भाई इस वीडियो को देख रहे हैं और वो क्रिएटर हैं, यूट्यूबर हैं, छोटे बड़े जो भी हैं, तो भाई देखो ये जो भाई है ना अजय भाई, ये मेरे ही गाँव के भाई हैं। दोस्तों हम एक ही दोनों एक ही गांव से बिलोंग करते हैं, लेकिन इन भाई का चैनल है टैग कैटेगरी का। तो दोस्तों अगर मैं इनकी ही तरह टैग पे चैनल दोस्तों खोलता तो इनका चैनल दोस्तों बड़ा चैनल था। तो दोस्तों मेरी वीडियो कौन देखता, इन्हें ज़्यादा नॉलेज थी। तो दोस्तों हमें किसी की भी कॉपी नहीं करनी है, जो हमारे पास आता है, जिससे हमारा टैलेंट है जिस चीज़ में, हमें उसी के ऊपर दोस्तों अपनी कैटेगरी के ऊपर काम करना चाहिए। मान लीजिए आपका कुक पे है, तो दोस्तों आप कुक से संबंधित करें। आप किसी और पे दोस्तों इंटरेस्ट है, तो उसी के हिसाब से दोस्तों आपको अपना चैनल को क्रिएट करना चाहिए। दोस्तों मेरा जो नॉलेज थी, मुझे जो भी नॉलेज थी दोस्तों, आपने सुना होगा सट्टा दोस्तों, उसमें मुझे ज़्यादा नॉलेज थी, जिससे कि मैं अच्छे ट्रिक और टिप्स दोस्तों उसमें देता हूँ। जो भाई लगाते हैं जैसे गली, दिसावर, गाजियाबाद, फरीदाबाद, किसी भी गेम का, तो हमारे चैनल पर आपको फ्री नंबर दिया जाता है, कोई भी किसी प्रकार का चार्ज नहीं लिया जाता है। लेकिन दोस्तों अगर जिस राज्य में सट्टा खेलना इलीगल है, तो वहाँ पर आप इस वीडियो को हमारी नहीं देखें, क्योंकि हम जो भी वीडियो बनाते हैं तो दोस्तों वो केवल मनोरंजन के लिए ही वीडियो बनाते हैं। अभी जाइए, अगर आप गेम को लगाते हैं किसी भी गेम को, तो हमारे चैनल ट्रिक रामपुर को सब्सक्राइब कीजिए। सो दोस्तों जैसा कि अनिल भाई ने बताया, यहाँ पर जितने भी छोटे छोटे यूट्यूबर हैं, छोटे छोटे क्रिएटर हैं दोस्तों, वो अपना एक यूट्यूब करियर बनाना चाहते हैं, यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों उन्होंने बताया कि यहाँ पर कुछ आपको अलग कंटेंट रखना होगा। अगर आप किसी की भी कॉपी करोगे दोस्तों, तो आपका यूट्यूब चैनल कभी भी ग्रो नहीं हो पाएगा, क्योंकि इन्हें काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है इसके बारे में दोस्तों। इन्होंने चार चार चैनल जो टर्मिनेट करवा दिए अपने, तो इसी के कारण वो अपने एक्सप्लेन के जरिए बता रहे हैं दोस्तों। अगर आपको यूट्यूब पर ग्रो करना है, यूट्यूब पर यहाँ पर सक्सेस पानी है, तो आपको कुछ अलग कंटेंट रखना होगा, जो आपके अंदर टैलेंट है उस टैलेंट को दिखाना होगा दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर वीडियो को यहीं पे करते हैं दोस्तों, एंड अनिल भाई का जो इंटरव्यू था दोस्तों वो हो चुका है, मतलब समाप्त गाइस। तो चलिए वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, और अनिल भाई को हम अपना शुक्रिया अदा कहना चाहेंगे हमारे चैनल पर आने के लिए। तो अनिल भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर आने के लिए। जी जी, आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद। और भाइयों अगर आपको टैग से कोई भी संबंधित प्रॉब्लम है, तो भाई के चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए नीचे चलकर, क्योंकि दोस्तों मैं भी भाई के चैनल को देखकर आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। चाहे आप मेरे चैनल को ट्रिक रामपुर को देखकर आप पता लगा सकती हैं। तो दोस्तों अगर कोई भी आपसे टैग से संबंधित वीडियो चाहिए, तो दोस्तों मेरे वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, या फिर मेरे चैनल पर जाकर चेकआउट भी कर सकते हैं। तो कमेंट का रिप्लाई देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए एंड।